जब मैंने मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स के सारे मूवीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक वीडियो बनाई थी, तो बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं डीसी के मूवीज को भी एक्सप्लेन करूं। तो इस वीडियो में मैं आपको डीसी की मूवीज एक्सप्लेन करूंगा। डीसी पे बेस्ड बहुत सारे मूवीज आ चुके हैं। टू बी एग्जैक्ट 23 मूवीज रिलीज हो चुके हैं और इन फ्यूचर 2020 तक 5 मूवीज और रिलीज होने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं पुराने मूवीज को तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्यों ये आप खुद देख लीजिए। और मैं क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन ट्रिलॉजी को भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि तीनों मूवीज का आने वाले किसी भी मूवी से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बैटमैन की ट्रिलॉजी को एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे कमेंट में बताएं। अगर मुझे इनफ रिक्वेस्ट मिलेगा तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। मैं एक्सप्लेन करूंगा DCEU यानी कि DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स को। मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स को देखते हुए DC ने भी अपना एक शेयर्ड यूनिवर्स स्टार्ट कर दिया और इसका नाम दिया DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स। DCEU में अभी तक 3 मूवीज रिलीज हो चुके हैं और आगे और कई मूवी आने वाले हैं। क्योंकि अभी तक सिर्फ 3 मूवीज ही आए हैं, तो मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा कि सारे मूवीज एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबको एक ओवरव्यू दे दूं, ताकि आपको मूवी समझने में ईजी पड़े। इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई 2013 में मैन ऑफ स्टील के साथ। For others, a ghost who never quite fit in. इसमें हमने सुपरमैन के ओरिजिन को देखा और हमें पता चला कि कैसे सुपरमैन यानी कि कालेल क्रिप्टॉन से अर्थ पे पहुंचता है। मूवी का मेन विलन था जनरल जॉर्ड और हमने इस मूवी में कुछ कमाल के एक्शन सीन्स देखे, जो कि सुपर हीरो मूवी में होने वाले एक्शन सीन्स को नेक्स्ट लेवल पे लेकर गए। उसके बाद मार्च 2015 में आई बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। और इसमें मैन ऑफ स्टील के 1.5 साल के बाद की स्टोरी दिखाई गई। हमने इसमें देखा कि सुपरमैन और जनरल जॉर्ड के बीच हुए फाइट में हुए तबाही के कारण पूरी दुनिया सुपरमैन को एक खतरे के रूप में देखती है। उनमें से एक बैटमैन भी कुछ ऐसा ही सोचता है। और इस मूवी का मेन विलन रहता है लेक्स लूथर, जो कि सुपरमैन और बैटमैन को आपस में लड़वाने का पूरा प्लान करता है और कामयाब रहता है। इसी बीच लेक्स लूथर जनरल जॉर्ड के डेड बॉडी और अपने खून से डूम्सडे को बनाता है, जिससे लड़ते लड़ते सुपरमैन मर जाता है। फिर लेक्स लूथर को जेल भेज दिया जाता है और लास्ट में हम देखते हैं कि सुपरमैन के कॉफिन के ऊपर की मिट्टी उड़ रही होती है। इस सीन से ये तो श्योर हो जाता है कि सुपरमैन को हम फिर से आने वाली मूवी जस्टिस लीग में देख पाएंगे। फिर अगस्त 2016 में रिलीज हुई सुसाइड स्क्वाड। हाय बॉयज, व्हाट वाज दैट? आई शुड किल एवरीवन एंड एस्केप? सॉरी, द वॉइसेस। I'm kidding. That's not what they really said. इसमें सुपरमैन के डेथ के बाद की स्टोरी थी। ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें कोई हीरो नहीं थे, सारे के सारे विलेन थे। इसमें ऑफिसर अमेंडा वालर कुछ सुपर विलेन को एक साथ करके टास्क फोर्स एक्स बनाती है, जो कि हाई रिस्क वाले मिशन को अंजाम देते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कैसे टास्क फोर्स एक्स इनचैंट्रेस से लड़ती है। हमें एक छोटा सा रोल जोकर का भी देखने को मिलता है, जिसमें वो हार्ली क्विन को भगाने की कोशिश करता है, बट ये मूवी आगे की मूवी से कनेक्ट होती है इसके मिड क्रेडिट सीन से, जिसमें बैटमैन अमेंडा वॉलर से मेटा ह्यूमन की गवर्नमेंट फाइल्स मांगता है। अब यहाँ तक तो मूवी रिलीज हो चुकी है, लेकिन अब आने वाले मूवी के बारे में मैं बस गेस कर पाऊंगा। तो जून में रिलीज होने वाली है वंडर वुमन। I believe you have something that is the property of General Ludendorff. Bad guy convention. Give us Dr. Maru's notebook. Where'd I put that thing?
Stand back. इस मूवी के ट्रेलर से हमें ये पता चला कि इसमें वर्ल्ड वॉर वन के टाइम की स्टोरी है, और अभी तक आए सारे मूवीज में से सबसे पहले इसी मूवी के इवेंट हुए हैं। साथ साथ इसमें हम वंडर वुमेन का ओरिजिन स्टोरी भी देख पाएंगे। ट्रेलर से हम इस मूवी की स्टोरी भी गेस कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी में कुछ ऐसा होगा कि वॉर में लड़ रहा एक सोल्जर समुद्र से बहकर वंडर वुमेन के राज्य में आ जाता है, फिर वंडर वुमेन वार में हेल्प करने के लिए उसके साथ चली जाती है और उसको वार जीतने में हेल्प करती है। फिर नवंबर 2017 में रिलीज होगी जस्टिस लीग। Stop right there. I'm in. पिछले सारे मूवीज हमें इसी मूवीज की तरफ लीड कर रहे थे। इसकी स्टोरी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की स्टोरी के कुछ महीने बाद की रहेगी। जैसा हमने पहले देखा था कि बैटमैन सारे मेटा ह्यूमन जैसे कि फ्लैश, एक्वामैन, साइबॉर्ग को एक टीम में लाने की कोशिश कर रहा होता है, तो इस मूवीज में हम उसी टीम को देखेंगे और ये टीम स्टीफन वुल्फ और उसके आर्मी के अगेंस्ट लड़ेगी जो कि अर्थ पे मदर बॉक्स को लेने आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टीफन वुल्फ कौन है, मदर बॉक्स क्या है। तो स्टीफन वुल्फ इस मूवी का मेन विलन होगा, और आपको बता दूं कि ये डीसी के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विलन डार्क सेट का अंकल है। हमने इस कैरेक्टर की झलक सबसे पहले बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के एक्सटेंडेड एडिशन में देखी थी, जहां पे लेक्स लूथर इससे होलोग्राम के थ्रू बात कर रहा होता है। अब बात करते हैं मदर बॉक्स की। मदर बॉक्स को आप एक सुपर कंप्यूटर की तरह देख सकते हैं जिसको बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया है। इसमें कई तरह के पावर हैं, जैसे कि ये कैसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसमें पोर्टल जनरेट होता है जिससे एक प्लैनेट से दूसरा प्लैनेट पे ट्रैवल कर सकते हैं, और ऐसे कई पावर मदर बॉक्स में हैं। मदर बॉक्स को भी हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में दो बार देखा था। एक बार जब साइबॉर्ग का क्रिएशन हो रहा था, तो उस टाइम जिसमें मदर बॉक्स ट्रांसफॉर्म होकर साइबॉर्ग के बॉडी से जुड़ जाती है, और दूसरी बार स्टीफन वुल्फ के हाथ में तीन मदर बॉक्स दिखा था जहाँ पर वो लेक्स लूथर से होलोग्राम के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा था। जस्टिस लीग के बाद दिसंबर 2018 में आएगी एक्वामैन। मुझे लगता है कि एक्वामैन की स्टोरी मैन ऑफ स्टील के टाइम की होगी, और इसमें शायद कुछ पावरफुल ह्यूमंस और एटलांटियंस के बीच के फाइट को दिखाया जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि एक्वामैन यानी कि आर्थर करी समुंदर के अंदर बसे शहर एटलांटिस का राजा है। फिर आएगी अप्रैल 2019 में शज़ैम। इस मूवी के बारे में अभी तक यही पता चला है कि इस मूवी का मेन विलन है ब्लैक एडम, और इसका रोल प्ले कर रहे हैं रॉक। इस मूवी का प्लॉट गेस करना बहुत मुश्किल है। अब बस आप इतना जान लीजिए कि शज़ैम एक सुपर हीरो है जिसके पावर सुपरमैन से ही मिलते जुलते हैं। हाँ, और मुझे ये भी लगता है कि ये मूवी बैटमैन वर्सेज सुपरमैन की स्टोरी लाइन से उतना कनेक्टेड तो नहीं रहेगी, बट इन फ्यूचर में भी हम शज़ैम या ब्लैक एडम का कैमियो उनके किसी मूवी में देख पाए। रॉक ने अपने एक इंटरव्यू में हाल ही में कहा था, आप फ्यूचर में जल्द ही सुपरमैन और ब्लैक एडम के बीच की फाइट देख पाएंगे। फिर आएगी अप्रैल 2020 में साइबॉर्ग, जो कि साइबॉर्ग की स्टैंड अलोन फिल्म होगी, और इसमें हम साइबॉर्ग का ओरिजिन देख पाएंगे, और इसमें शायद हमें कुछ सवालों का जवाब मिलेगा, जैसे कि साइबॉर्ग को क्यों बनाया गया, साइबॉर्ग को हुआ क्या था, और उसके फादर ने ही उसको ऐसा क्यों बनाया। फिर आएगी जुलाई 2020 में ग्रीन लैंटर्न कॉर्प। हमने पहले भी ग्रीन लैंटर्न की मूवी देखी है, और उसके बाद हमारा रिएक्शन था, कौन है यार, क्या है यार? ग्रीन लैंटर्न कॉर्प कुछ ग्रीन लैंटर्न का ग्रुप है जो जस्टिस लीग का हिस्सा भी रहते हैं, तो मुझे लगता है कि इनका कैमियो हमें जस्टिस लीग में भी दिखने वाला है। अब इसके बाद डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में और भी कई मूवी प्लान हो चुके हैं जिनका रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। इनमें है जस्टिस लीग डार्क, जिसका मेन कैरेक्टर कॉन्स्टेंटीन होगा, मैन ऑफ स्टील का सीक्वल, जस्टिस लीग का सीक्वल, फ्लैश की स्टैंड अलोन मूवी, फिर द बैटमैन जिसका मेन विलेन डेथ स्ट्रोक होगा, उसके बाद सुसाइड स्क्वाड का सीक्वल,
गॉथम सिटी सायरन जिसमें हार्ली क्विन का ओरिजिन दिखाया जाएगा, ब्लैक एडम पे एक स्टैंड अलोन मूवी, नाइट विंग की एक मूवी, उसके बाद वंडर वुमेन का सीक्वल और सबसे लास्ट में आएगी बैट गर्ल की एक मूवी। तो ये थी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का एक ओवरव्यू जिसकी मूवी 2030 से भी आगे तक जा रही है। मुझे तो लगता है कि ये मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स को एक टफ कंपटीशन देने वाली है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स मार्वल की सिनेमेटिक यूनिवर्स को कंपटीशन दे पाएगी या नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं